अस्सलामुअलैकुम आई टी फैमिली, वेलकम बैक टू द वन अनदर फ्रेश व्लॉग। आई होप आप सारे लोग मस्त होंगे, मचा रहेंगे, अपने अपने घर में बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसी लोकेशन पे। वो अपनी बाइक जो है एक पीछे लगी और एक बाइक आगे है हमारी। तो आज हम गए कैंपिंग के लिए, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला कैंपिंग के लिए हम जाएंगे दूध पथरी। हम आ गए ऐसी लोकेशन पे, तो आज की राइड जो है यही से स्टार्ट होगी। ये रही अपनी बाइक, एक हो रही दूसरी, बाकी सारा सामान जो है वो रहा। तो निकलेंगे पहले यहाँ से जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ, 5:30 बज रहे हैं, तो रात के लिए वहीं पे रुकना है। तो निकलते हैं यहाँ से सीधे, जल्दी मिलते हैं आपसे सीधे आगे। तो गाइस फाइनली जो हम घर से निकले, मतलब उस लोकेशन से निकले सीधे आगे की ओर। तो आप देख सकते हो दोनों बाइक्स जो है हमारे साथ है इस टाइम, फुल लोडेड। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं सीधे दूध पथरी की ओर। तो देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा। फिलहाल हम यहाँ पर पहुँच गए ऐसी लोकेशन पर, तो अब हम यहाँ से जो है सीधे निकलेंगे। यार आगे फैजान भाई, तो मिलते हैं आपसे सीधे आगे, क्योंकि हम रास्ते में आज ब्लॉग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हुआ उसकी वजह से। तो अब हम यहाँ से जो है सीधे निकलेंगे आगे। जो है रोड पूरा ख़राब था, जिसकी वजह से नंबर प्लेट भी जो है बाइक का खुल गया, तो अभी टाइट कर रहे हैं। डाउन हो रही थी बाइक, अब उसने जो है डैमेज कर दिया, यहाँ से वो तोड़ दिया नीचे, तो अभी टाइट कर रहे हैं यहाँ पे। साकिब भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? देखो जी गाइस, फाइनली हम पहुंच गए इसी लोकेशन पे। हम जो है दूध पथरी निकले थे घर से, वो आपको पता ही है। तो अब हम जा रहे हैं आगे आगे, यहाँ से रोड कुछ ऐसा है। तो अब हम यहाँ पे रुके, हमने सोचा पहले यहाँ पे एक दो मिनट जो है रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए, हम बहुत ज़्यादा चले, मतलब घर से पहले श्रीनगर की ओर जाना पड़ा, फिर वहाँ से जो है यहाँ आ गए हम। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे दूध पथरी की ओर। बाकी मज़ा यहाँ पे ठंडी वगैरह, मतलब कि सुकून है हर साइड से, मतलब ये आप देख सकते हो यहाँ से सुनसान है एक रोड। हम यहीं पर रुके, तो अब हम यहाँ से जो है निकलने वाले सीधे दूध पथरी की ओर। तो बाकी आपको दिखाएंगे बाइक्स की हालत वगैरह, तो फिर यहाँ से हम निकलेंगे जी। पूरा सामान जो है ये है हमारा आज रात के लिए। तो बाइक्स की हालत कुछ ऐसी है, यहाँ चलते चलते इसने जो है बाइक में अब जो है नंबर प्लेट वो हमने बाहर ही निकाला, क्योंकि वो नीचे आ रहा था, तो इसने जो है यहाँ से ये डैमेज कर दिया। तो अब हम यहाँ से जो है आगे निकलने वाले हैं। बाकी बाइक्स की हालत कुछ ऐसी है, तो ज़्यादा दूर नहीं थी यहाँ से, क्योंकि बारिश हर टाइम यहाँ से पड़ती रहती है, उसकी वजह से रोड भी जो है ठीक था, गीला ही था। तो अब हम यहाँ से जो है निकलने वाले सीधे आगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो हमने यहाँ पे किया, तो आप देख सकते हो यहाँ से कितना प्यारा व्यू है, आप देख सकते हो नीचे से। तो हम रुके यहीं पे, बाकी यहाँ पे नीचे कुछ लोग भी हैं, मतलब वो रुके, तो बाकी हम रुके यहाँ पे। तो और दो भाई भी आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे आगे की ओर। तो जी गाइस फाइनली हम पहुंच गए दूध पथरी, आप देख सकते हो पीछे रहा दूध पथरी, तो ये यहाँ का एंट्री गेट जो है यही रहा। तो फिलहाल हम पहुंच गए यहाँ पे, ये रही अपनी बाइक। तो अब हम यहाँ से जो आगे जाएंगे, बाकी सर्दी यहाँ से फुल पावर है, बारिश भी यहाँ से गिरी है, रोड भी पूरा ख़राब है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे आगे, बाकी हम पहुँचे यहाँ तक। तो ये देखो जी, ये दो भाई भी आ गए हमारे साथ यहाँ पे। तो देखो जी गाइस फाइनली जो है हम पहुंच गए, ये आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, मतलब इवनिंग का व्यू। तो बहुत ही जगह लेट हम पहुंचे यहाँ पे, हमने सोचा पहले हम बाइक करेंगे पार्क यहाँ पे, तो बाइक हमने यहाँ पे पार्क की दोनों बाइक्स। तो अब हम यहाँ से जो है निकलने वाले आगे की ओर। बाकी कपड़ों की हालत भी पूरी ख़राब हो गई, तो वो दो बाइक जो है आगे गए, वो आप देख सकते हो कि निकलेंगे जी यहाँ से सीधे आगे की ओर बाइक्स को बाइक करके। तो निकलने वाले यहाँ से, आप देखिए कहाँ पे हम अपना टेंट वगैरह जो है फिट करेंगे, तो उसके बाद जो हम आपसे व्लॉग में मिलेंगे वहीं पे। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मसला, और एक मसला यहाँ पे ये यह है कि यहाँ पे जो है पानी का भी टेंशन है, कहाँ पे मिलेगा पानी, कहाँ पे मिलेगा पानी वगैरह। तो देखते वो भी, फिर यहाँ से सीधे जाएँ, पहले यहाँ से सीधे जाएँगे टेंट के पास, तो फिर वहीं पर मिलेंगे। ये देखो जी यहाँ से जो है निकल रहा है पानी। हमने यहाँ पे जो है टेंट वेंट लगा लिया, तो अब हम बाहर निकले, अब हम बनाएंगे पहले कुछ खाने के लिए, तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहेगा। पानी वगैरह हमने जो है पूरा लाया यहाँ से, आप देख सकते हैं बंदा दौड़ रहा है यहाँ से, फुल मस्ती चल रही है यहाँ पे, अंदर बंदे ने स्पीकर लगाया है, तो बाकी यहाँ पे अच्छा मजा है, आप देख सकते हो। तो बाकी अब हम पहले यहाँ पे कुछ बनाएंगे, उसके बाद ही आपसे जो शेयर करेंगे। सो ये देखो जी गाइस फाइनली जो हम नींद से जागे अभी,
पाँच दस मिनट पहले, तो हमने सोचा पहले हम बाहर निकलेंगे, फ्रेश हवा वगैरह जो है पियेंगे, उसके बाद जो हम फ्रेश होंगे। तो देखो जी वो रहा हमारा टेंट वहाँ पे, तो अब हम टेंट से जो है बाहर आ गए। अब हम पहले फेस वॉश वगैरह जो है करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन आएगा। फिलहाल जाते हैं जल्दी से फेस वॉश करेंगे, मिलते हैं आपसे सीधे उसके बाद। देखो जी गाइस पहले हम चाय बनाएंगे, ये रहा चाय का पूरा सामान, तो हम जाएंगे वहाँ पे चाय बनाने, ये रही वाटर बॉटल। सो ये देखो जी गाइस फ्रेश फ्रेश हम हो गए थे, चाय हमने पी ली, तो अब हम निकले बाहर, ये आप देख सकते हो टेंट से बाहर। तो अब हम जाएंगे बाहर घूमने, पहले हम जाएंगे बाइक के पास, बाइक को नज़र वगैरह मारेंगे, तो फिर वहाँ से जो हम आएंगे यहीं की ओर। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे, तो हमने सोचा पहले हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बिना टाइम वेस्ट करें। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए और प्यारे ब्लॉग में, तब तक के लिए राइट सेफ, वर्क हार्ड, गुड बाय।